इसराइल ने बंधकों को छुड़ाने के लिए जो योजना तैयार की है उसको जानकर अरब देशों के अंदर खलबली मच गई है। ईरान से लेकर तुर्की तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमास को हीरो मान रहे हैं, लेकिन अगर हमास को ऐसी मौत मिले तो उसे लड़ने का मौका भी ना मिले तो ये सब बड़ा खौफनाक मिशन होगा कि लड़ाई भी हो और उसको लड़ने तक का मौका ना मिले। इसराइल ऐसे ही एक खतरनाक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अरब देशों की खबरें दिखाने वाले एक अखबार में ऐसी खौफनाक खबर छपी है कि हमास के लड़ाकों की जमीन खिसक गई है। 22 अरब देशों में फैले हमास के समर्थकों की नींद उड़ गई है। हमास के 35,000 आतंकियों को मारने का ऐसा गेम प्लान अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तैनात किया है कि ईरान से लेकर तुर्की तक दहशत में आ गए हैं। इसराइल सुरंग के अंदर आतंकियों को बेहोश करके आराम से मारना चाहता है। मिडल ईस्ट आई नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें लिखा गया है कि इसराइल हमास पर 7 अक्टूबर जैसा सरप्राइज अटैक करना चाहता है। सरप्राइज अटैक का मतलब होता है ऐसा हमला जो दुश्मन पर अचानक हो और किसी को भी भनक ना लगे। सरप्राइज एलिमेंट हासिल करने के लिए इजराइल अमेरिका ने मिलकर एक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत अमेरिका ये प्रेशर बना रहा है कि इजराइल गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन में देर करे। इजराइल की सरकार की तरफ से ये प्रचार किया जा रहा है कि युद्ध 1-2 महीने का नहीं बल्कि 1 साल का है, और जब हमास के आतंकियों को ये भरोसा हो जाए कि अभी 3-4 महीने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा तो वो असावधान हो जाएंगे। और तभी हैरान करते हुए अचानक इसराइल हमला करेगा। इसराइल के पास बहुत तेज खोपड़ी वाले जनरल हैं जो इस तरह की योग्यता रखते हैं। मिडिल ईस्ट आई अखबार ने लिखा है कि इसराइल सुरंगों के अंदर ऑपरेशन अमेरिका की डेल्टा फोर्स की निगरानी में करेगा। इसराइल सुरंगों के अंदर एक ऐसी रासायनिक गैस भर देगा जिसकी वजह से इंसानों का तंत्रिका तंत्र सुन्न हो जाता है। इससे आतंकी और बंधक दोनों ही बेहोश हो जाएंगे। बंधकों को फौरन बेहोशी की हालत में निकालकर गाजा पट्टी से बाहर इसराइल ले जाया जाएगा, और फिर बेहोशी की हालत में पड़े हमास के आतंकियों को इसराइल की फोर्स आराम से बंधक भी बना सकती है और मार भी सकती है। हमास के आतंकी इसराइल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर बेहोश करने वाली इस तरह की गैस छोड़ दी गई तो वो बेहद क्रूर मौत मरेंगे, यानी उनको लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा, और इस पूरे ऑपरेशन में इसराइल को 0 लॉस होगा, यानी उनको कम से कम सैनिकों की जानों का नुकसान होगा। सुरंग के अंदर गैस का इस्तेमाल करने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर इसराइल हमास के आतंकियों के खिलाफ सुरंग के अंदर गोला बारूद या गन फायर का इस्तेमाल करता है तो हमास के आतंकी बंधकों को आगे कर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं और बंधकों को मार भी सकते हैं। इस अखबार ने जो दावे किए हैं वो कई तथ्यों से मेल भी खाते हैं। ये बात सही है कि इसराइल इस बात का प्रचार कर रहा है कि युद्ध लंबा खींचने वाला है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेट ने पहले कहा था कि युद्ध 2 महीने तक चल सकता है, फिर यो गैलेट ने कहा कि युद्ध 4 महीने भी खिंच सकता है। इसके बाद युद्ध सरकार में मंत्री बेन गैड्स ने कहा कि युद्ध के विस्थापितों को 1 साल तक घरों से बाहर रहना पड़ सकता है। सवाल ये है, क्या ये सारे बयान हमास के आतंकियों में भ्रम पैदा करने के लिए दिए गए थे? वैसे सुरंगों के अंदर आतंकियों को जिंदा दफन करने के लिए इसराइल के पास और भी कई विकल्प मौजूद हैं।
साल 2017 में ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड के दौरान इजराइल की उत्तरी सीमा पर कई सुरंगों की खोज की गई थी। ये सुरंगें हिजबुल्ला की थी, तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने सुरंगों को बंद करने के लिए ट्रक पर ट्रक भरकर हजारों टन गीले सीमेंट सुरंग के अंदर डाल दिए थे। आतंकियों को बहुत बुरी मौत मारने के लिए कई बार इजराइल की सेना इन सुरंगों के अंदर सीवर का गंदा पानी भी डाल चुकी है। इजराइल की आर्मी के लिए सबसे आसान है समंदर का खारा पानी इन सुरंगों के अंदर डालना, क्योंकि गाजा समंदर के किनारे पर बसा शहर है। लेकिन इजराइल के पास एक और ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिससे वो बहुत आसानी से आतंकियों को सुरंग के बाहर आने के लिए मजबूर कर सकता है। हमास को इस वक्त डीजल की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बिजली सप्लाई गाजा में कट चुकी है और जनरेटर से ही बिजली पैदा की जा रही है। इसलिए हमास को रॉकेट चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, मिसाइल चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, गाजा के अंदर परिवहन के लिए भी डीजल चाहिए, खाने पीने का सामान सुरक्षित रखने के लिए भी, फ्रिज में बिजली के लिए जनरेटर के अंदर डीजल चाहिए। लेकिन इतनी गहरी सुरंगों के लिए सबसे जरूरी है वेंटिलेशन, और ये वेंटिलेशन भी पंखों से ही होता है, और पंखों को चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, और इसीलिए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में डीजल चाहिए। अगर डीजल खत्म हुआ, जनरेटर बंद हो गए और सुरंगों में वेंटिलेशन नहीं रहा, तो भी हमास के आतंकियों के दम घुटने से बहुत बुरी मौत हो सकती है। और इसीलिए हमास ने बंधकों की रिहाई का ड्रामा शुरू किया। पहले दो अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया और फिर दो इजरायली बंधकों को रिहा किया गया, और जब माहौल बन गया तब लेबनान के बेरूत में मौजूद उसामा हमदान ने बयान दिया कि जब तक गाजा में ईंधन नहीं भेजा जाएगा तब तक 50 दोहरी नागरिकता वाले बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि बंधकों को रिलीज करने के बदले ईंधन गाजा के अंदर भेजने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run. Only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it, and then international organizations ask for help, but who are they asking from? इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की आंच से जो बाइडन की छवि भी प्रभावित हो रही है। फिलिस्तीन के अखबारों का आज तक का दावा यह है कि गाजा के अंदर 7,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जिनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन जो बाइडन को इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। बाइडन का कहना है कि आंकड़े हमास के द्वारा जारी किए गए हैं, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस जवाब पर अमेरिका में विवाद छिड़ गया है। क्या विवाद छिड़ा है, आगे बताएंगे। पहले बाइडन का जवाब और रिपोर्टर का सवाल सुनिए। In 18 days since Hamas killed 1,400 Israelis, the Hamas-controlled Gaza Health Ministry says Israeli forces have killed over 6,000 Palestinians, including 2,700 children. You've previously asked Netanyahu to minimize civilian casualties. Do these numbers say to you that he is ignoring that message? What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. I think we should be incredibly careful. I think not we, the Israelis should be incredibly careful to be sure that they're focusing on going after the folks that are the propagating this war against Israel. And it's against their interest when that doesn't happen. But I have no confidence in the number that the Palestinians are using. इस जवाब पर अमेरिका के अंदर फिलिस्तीनी और उनके समर्थक बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन बार बार दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इजराइल क्रूर है जो बच्चों को मार रहा है। इसीलिए एक बार फिर से ये सवाल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी से भी पूछा गया कि क्या बाइडन का जवाब असंवेदनशील था, और क्या आप जो बाइडन इस सवाल के लिए माफी मांगेंगे या खेद प्रकट करेंगे। तब इसके जवाब में जॉन किर्बी बहुत बुरी तरह से भड़क उठे। Saying that he doesn't have confidence in these numbers. The president went further to say that innocents will die and that this is the price of the war. You also said that. I have indeed. Yeah, don't you think this is insensitive? They're being very harsh criticism about it. For example, the Council of American Islamic Relations said it was deeply disturbed and called on the president to apologize. Would the president apologize and does he regret say something like that? What's harsh? What's harsh? Is the way Hamas is using people as human shields.
What's harsh is taking a couple of hundred hostages and leaving families in anxious waiting and worrying to figure out where their loved ones are. What's harsh is dropping in on a music festival and slaughtering a bunch of young people just trying to enjoy an afternoon. I could go on and on. That's what's harsh. That is what's harsh. इस तरह के वाद विवाद का बहुत बुरा असर इस वक्त अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका में लगातार सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका के डेट्रॉयट में सिनेगॉग चलाने वाली एक यहूदी महिला नेता की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई। अमेरिका में ही 6 साल के फिलिस्तीन बच्चे की भी हत्या हो गई और हत्या करने वाला शख्स अमेरिका का 71 साल का नागरिक था, जिसने अपने ही मकान में किराए पर रहने वाले फिलिस्तीनी को मार डाला। और अब न्यूयॉर्क से भी विचलित करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ एक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अंदर यहूदी बच्चे छुपे हुए थे और बाहर फिलिस्तीन के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान एक महिला को ऐसा पोस्टर लिए दिखाया गया जिसमें यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने जैसा संदेश दिया गया। जिस तरह अमेरिका के अंदर अरब मुस्लिम और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ा है, इसी के मद्देनजर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी अरब मुस्लिम और यहूदी नेताओं के साथ बैठक कर अमेरिका में शांति से रहने की गुजारिश की है। लेकिन अब बाइडेन ने जिस तरह से फिलिस्तीन के अखबारों से आ रहे मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया है, एक बार फिर अरब और यहूदी लोगों के बीच तनाव बढ़ा है, जिसके बाद अमेरिका के ही अखबारों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाइडेन भी अब अरब मूल के अमेरिका के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।